हेलो एवरीवन, आज मैं पालक की एक बहुत ही प्यारी सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो सभी घर में बहुत पसंद करेंगे। आज की मेरी रेसिपी है पालक पनीर पॉकेट, जो सबको बहुत पसंद आने वाली है, हेल्दी प्लस टेस्टी भी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब देना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। पालक की रेसिपी बनाने के लिए आपको पालक के पत्ते ले लेने हैं, उसको अच्छे से चुन लेना है, जड़ पार्ट को हटा देना है। अब इसको आप कट करके भी ले सकते हैं, मतलब कच्चा, या फिर उबाल के भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा उबाल कर लिया है। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने एक कप पानी डाला, पत्तों को मैंने अच्छे से धुल लिया था। साफ करने के बाद उसे मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसे उबलने के लिए रखूंगी। एक उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देना है। बंद करने के बाद हल्का सा उसको चला लेना है, और चलाने के बाद फिर से उसको 2 मिनट के लिए ढक देना है। इससे होगा कि जो भी हल्के फुल्के डंठल थोड़े से पके हुए नहीं होंगे, अच्छे से पक जाएंगे। वैसे आप इस रेसिपी को कच्चा भी बारीक कट करके बना सकते हैं, दोनों का टेस्ट में थोड़ा सा का अंतर हो जाता है। आप जिस तरह से पसंद करते हो उस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 मिनट के लिए मैंने छोड़ा था उबलने के बाद, गैस बंद करने के बाद। अब इन पालकों को निकाल लेती हूँ, और निकाल कर इसको हल्के टाइम के लिए आप ठंडा कर लीजिए या फिर ठंडे पानी में डाल लीजिए। तो मैं इसको ठंडे पानी में नहीं डालूंगी, हल्के टाइम के लिए मैं ठंडा ही करूंगी। पालकों को निकाल कर मैं ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ, और इस पानी को मैं फेंकूंगी नहीं, दोनों को ठंडा करके मैं दोनों का यूज करूंगी। तो पालक और पानी को ठंडा होने के बाद आपको अगला प्रोसेस करना है कि एक बड़ी कटोरी में आपको घर के नाश्ते के अनुसार ले लेने हैं गेहूं के आटा। तो मैंने यहाँ छोटे कप से 2 कप गेहूं का आटा लिया है। अब इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करारी बनाने के लिए, टेस्टी बनाने के लिए मैंने लिया है 2-3 चम्मच रिफाइंड, इससे थोड़ा सा क्रिस्पीपन आ जाता है। तो यहाँ मैंने छोटे चम्मच से 3 चम्मच लिए हैं। अब इसके साथ ही मैं ले रही हूँ 1 चम्मच घी, और इसे मैंने हल्का गर्म करके लिया है क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, थोड़ी सी मेल्ट हो जाती है तो मिलाना आसान हो जाता है। अब इसमें हल्का सा नमक डाल देना है, मतलब मैं आगे जो मैंने पालक को वाला उसमें भी मैं आगे नमक डालूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर नमक डाल देनी है। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमेशा हाथ पर मल कर डालें, इससे फ्लेवर एकदम फ्रेश हो जाता है, ताज़ा हो जाता है और बहुत अच्छे से उभर कर आता है। अब इन सभी चीज़ों को हल्का सूखा मिला लेना है अच्छी तरह से। मिलाने के बाद आपको हल्का सा इस तरह से चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से, तो ये हल्की सी इसमें जो रिफाइंड मैंने डाली है, मतलब क्वांटिटी अच्छी खासी है। और उसके बाद जो मैंने पालक वाला पानी लिया था उसे मैंने ठंडा करके ले लिया, और उसी पानी को थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। जितनी ज़रूरत हो उतना ही पालक का पानी डालें, सब पूरा समूचा डालने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हल्का सा मीडियम सा डो लगा लेना है। तो मेरी तो लगभग पूरी पानी लग गई, और यहाँ मेरी डो बनकर तैयार हो गई। अब इस डो को हल्के टाइम के लिए छोड़ दूंगी, और इस पर मैं हल्का सा तेल लगा दे रही हूँ ताकि मेरी जो ये डो है थोड़ी सी सॉफ्ट बनी रहे। हल्के टाइम के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। अगला प्रोसेस ये है कि ले लेने हैं पालक, जो ठंडा होने के लिए मैंने रखा हुआ था फ्रिज में, और ये ठंडी हो गई है। इसमें थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी है, तो मैं क्या करती हूँ इसके पानी को निकाल लेती हूँ इस तरह से निचोड़ कर, क्योंकि मैं इसकी करूँगी फिलिंग, तो ये ड्राई होनी जरूरी है। एक प्रोसेस मैं और करूँगी जिससे ये काफ़ी अच्छे से इसकी पूरी पानी सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पानी को निकाल देना है, इस पानी को आपको हटा देना है। और पालक को लेकर या तो आप छोटे छोटे टुकड़े इसके कट कर सकते हैं, या फिर चॉपर में डालकर भी हल्की सी कटिंग कर सकते हैं। और अभी मैंने लिया हरी मिर्च, तो मैंने 3 हरी मिर्च लिया है, इसको रफली कट कर लिया है, चॉपर में चलाना आसान हो जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया थोड़ी सी ग्रेट की हुई अदरक, इसके साथ ही मैं लूंगी यहाँ पर 5-6 कली लहसुन की, और एक बार अच्छे से इसको चला लूंगी। अच्छी तरह से छोटे छोटे टुकड़े, छोटे छोटे पीसेस इसके हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने पालक को निचोड़ कर रखा हुआ है उस पालक को इसमें ऐड करूंगी, और इसी तरह से बारीक उसको भी कट कर लूंगी। आप सभी चीज़ों को बारीक बारीक कट करके भी ले सकते हैं। पालक डालने के बाद हल्का सा चलाने पर एकदम फाइन चॉपिंग हो जाती है, आप देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ पीसेस रह जाएं, मतलब उसके डंठल्स रह जाएं, तो आप इसको हल्का सा इस तरह से कट कर लेंगे तो एकदम छोटे छोटे पीसेस इसके तैयार हो जाएंगे। बहुत आसानी से सभी चीज़ें चॉप हो जाती है। अब क्या अगला प्रोसेस करना है आपको? अब पालक को सुखाने के लिए आपको ले लेना है एक पैन, और पैन में डाल देना है 1 छोटे चम्मच तेल। उसके बाद यहाँ पर डाल देना है 1/2 चम्मच के लगभग जीरा, और जीरा डालकर इसको अच्छे से चटकने देना है। तो मैंने तेल कम डाला था, तो हल्के टाइम के लिए इसे इसी तरह चटकने देती हूँ, हल्का सा चला लेती हूँ। उसके बाद इसमें डाल देने हैं 2 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अब यहाँ पर प्याज को बहुत ज्यादा भूनना नहीं है, बस हल्का सा हाई फ्लेम पर मैंने सौते कर लिया है हल्की सी। जब प्याज सॉफ्ट हो गई थी, हल्की सी इसकी पानी सूख गई थी, तो मैंने पालक जो मिलाया हुआ था उसे मैंने ले लिया। अब इन दोनों चीजों को हाई फ्लेम पर हल्का सा इसका बस पानी सुखाना है, इसका कलर आने नहीं देना है, इसका ग्रीन कलर बना रहे, बस इस तरह से आपको रखना है। यहाँ पर अच्छे से ये सूख गई इसकी पानी, अब इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। जब तक ये ठंडी होती है मैं अगला प्रोसेस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम पनीर। पनीर अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, क्वांटिटी आप बढ़ा कर ले सकते हैं। इस पनीर में मैंने डाल दिया एकदम छोटे चम्मच से यहाँ पर जीरा डाला है, जीरा पाउडर, साथ ही मैंने डाल दिया काली मिर्च पाउडर,
और इसके साथ ही मैंने डाला है धनिया की ढेर सारी पत्तियां, और जो मैंने पालक और प्याज को हल्का सा सुखाया था उसे भी मैंने डाल दिया ठंडा करने के बाद। अब इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर देनी है। मिक्स करने के बाद इसको कर देना है साइड, और इसके साथ मैं एक बहुत ही प्यारी सी चटनी बनाऊंगी। उस चटनी के लिए आपको लेना है 2 प्याज एकदम फाइन सा, इसको चॉप कर लेना है, एकदम बारीक कटिंग होनी चाहिए। इसके साथ ही मैंने लिए है इसके अकॉर्डिंग मैंने 4 टमाटर, इसे मैं रफली कट करूंगी। 1 टमाटर के मैंने 8 पार्ट किए हैं और मैंने डाल दिया मिक्सर में, तो मैंने सभी टमाटरों को कट करके मिक्सर में डाल दिया। अब मैं इसको एक बार चला लेती हूँ ढक्कन लगा के, उसके बाद जब इसकी एक थोड़ी सी प्योरी बन जाएगी, हल्की दरदरी रहेगी, तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ी सी अदरक, इससे भी टेस्ट इसका बहुत अच्छा बढ़ जाता है। और अच्छी तरह से एकदम स्मूथ सी आपको प्योरी तैयार कर लेनी है और उसको रख देना है साइड में। अब लेना है कढ़ाई, कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच तेल, अपनी पसंद की कोई भी तेल ले सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दिया 1/2 चम्मच के लगभग साबुत जीरा, और तेल गर्म थी तो काफी अच्छे से ये चटक गई है। जब जीरा चटक जाए तो आपको डाल देने हैं जो प्याज बारीक कट किए हुए थे आपने, उसे प्याज को डाल देना है। मीडियम फ्लेम पर प्याज को गोल्डन कलर आने तक भूनना है, तब तक मैं अगला प्रोसेस कर लेती हूँ। तो मैंने लिया है गुड़ यानी जैगरी, जितना मैं गुड़ दिखा रही हूँ एक मैंने साबुत लिया है, फिर मैंने आधा इसका और भी लिया था क्योंकि सर्दी का मौसम है, अगर गुड़ वाली कोई रेसिपी बनती है तो वो ज्यादा अच्छी होती है। लोग कहते हैं सर्दियों में गुड़ खानी चाहिए, ठंडी के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ ही मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने थोड़ी सी और ले ली, जितना बड़ा बॉल मैंने गुड़ का दिखाया था ढेला उतना बड़ा उसका आधा मैंने और ले लिया, तो मतलब लगभग 200 ग्राम के लगभग मैंने गुड़ लिया था 4 टमाटर में। मीठा अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। और जब तक मैंने गुड़ का प्रोसेस किया मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ था, बीच बीच में चला भी रही थी, तो इसकी गोल्डन कलर आ गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूंगी 1 तेज पत्ता जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाएगा, और साथ ही मैंने यहाँ 2 लाल मिर्च तोड़ कर डाला है, हल्की सी तीखी फ्लेवर भी आ जाएगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद देखिए फ्रेंड्स प्याज का कलर कैसा है, सो इस तरह का गोल्डन कलर आपको रखना है। प्याज देखिए जली हुई नहीं है, बहुत अच्छी सी गोल्डन कलर है। इस स्टेज पर आपने जो टमाटर की प्यूरी तैयार करके रखा हुआ था उस टमाटर को डाल देना है। फ्लेम को मैंने अभी लो रख दिया था क्योंकि मुझे टमाटर प्यूरी डाली थी उसके छींटे उड़ते हैं, तो उसके बाद मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है, अच्छे से मिक्स कर दिया। और कहते हैं ना मीठे में टेस्ट बढ़ाने के लिए, किसी भी चीज़ में टेस्ट बढ़ाने के लिए आपको थोड़ी सी नमक डालनी होती है, तो पहले मैंने गुड़ को डाल के मिला दिया, उसके बाद मैंने थोड़ी सी नमक डाल दी टेस्ट अच्छा आने के लिए। तो खट्टी मीठी तीखी नमकीन हर तरह से बनकर तैयार हो गई। अब चटपटा बनाना चाहते हैं, स्पाइसी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको मीठा बना रही हूँ तो मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर नहीं ऐड करूंगी। बस अच्छे से मिक्स कर देना है। गुड़ डाला है तो बीच बीच में आपको चलाना होगा और मीडियम फ्लेम पर आपको कंटिन्यू पकाना होगा। कलर देखिए थोड़ी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, मतलब डार्क कलर होनी शुरू हो गई, और इस तरह से उबलते हुए बीच बीच में बस चलाते जाएं, और आपकी यहाँ पर टोमेटो की जैम कह लीजिए, चटनी कह लीजिए, प्यारी सी बनकर तैयार हो जाएगी। पूरी तरह पकाने के बाद देखिए चटनी का कलर कितना अच्छा आ गया है। आप इसको जैम के रूप में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें एकदम बारीक कट करके सभी चीज़ें डाली हैं। आप इसमें से तेज पत्ता निकाल दें, मिर्च निकाल दें, और किसी एयर टाइट सीसी में डालकर इसको स्टोर करके रखें, लगाकर बच्चों को दे, हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बन जाती है, और कलर कितना प्यारा आया है। तो फ्रेंड्स आई होप बहुत पसंद आई होगी ये वाली चटनी की रेसिपी। तो चलिए अब इसको साइड कर दी जाए और जो मैंने पनीर की फिलिंग तैयार करके रखी हुई है उस प्रोसेस की तरफ चली जाए। तो मैंने यहाँ पर पनीर को मिक्स करके जो रखा हुआ था अब इसमें मैं थोड़ी सी ऐड कर दे रही हूँ चिकन मसाला, हल्की सी मैंने डाली है, साथ ही मैंने डाला 1/2 चम्मच के लगभग आमचूर पाउडर, और एकदम थोड़ी सी मैं डालूंगी यहाँ पर गरम मसाला, साथ ही मैंने डाला है 1/2 चम्मच के लगभग चिली फ्लेक्स, तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, ये मेरी होममेड है तो थोड़ी सी चटपटी सी है। और इन सबको डालने के बाद मैंने लास्ट में डाला नमक। नमक जब भी इस ये वाली रेसिपी बनाए तो एकदम भरने के जस्ट पहले नमक डालें क्योंकि नमक डालने पर इसमें पानी छूटने लगती है, तो नमक डाल के मिलाना है और फटाफट से आपको प्रोसेस करना है। अगर अभी तुरंत नहीं बनाना है तो इसमें से जितना बनाना हो उतना पार्ट में नमक मिला दे, बाकी पार्ट को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। सभी चीजों को मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर इसको कर दिया साइड और ले ली अपनी डो। डो मेरे काफी अच्छे से सेट हो गई थी, फिर से मैं मिला लेती हूँ। जब भी डो को छोड़ते हैं हम लोग तो कुछ टाइम बाद इसको मिला लेते हैं। उसके बाद छोटा सा पार्ट मैंने लेकर इस तरह से लंबा कर लिया। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना लेती हूँ। आप इसकी मोटाई जितनी अपने अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं, मोटी पतली बॉल बना लेंगे, मतलब साइज जो रखना चाहते हैं लोई की। मैं छोटी छोटी पॉकेट्स बनाऊंगी इसलिए मैंने छोटी छोटी लोई रखी है। अगर आप रोटी भी बनाना चाहते हैं तो बड़ी सी लोई लेकर आटा लगाकर बड़ी सी रोटी के साइज का भी आप भर के बना सकते हैं। अब इस लोई को आटा लगा लगा कर एक बड़ी सी मतलब रोटी बना लेनी है, मीडियम पतली सी रोटी बनानी है। मैं रोटी का साइज आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह की पतली होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए कि फीलिंग बाहर आ जाए, बस पतला रखे ताकि अच्छे से सेक जाए। उसके बाद इसके अंदर आप फीलिंग अपने अकॉर्डिंग डाल लें, मतलब कि जितना में अच्छे से ये फोल्ड होने पर फट कर बाहर नहीं आए उतनी फीलिंग डालनी है। तो मैंने लगभग यहाँ पर 2.5 चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पर फीलिंग डाली है। अब इसको इस तरह से मोड़ लेना है जैसे हम लोग चौकोर पॉकेट बनाते हैं ना उस तरह से। तो देखिए इस तरह से चिपका लेना है।
चिपकाने में अगर आपको लगता है कि खुल जाएगी तो आप पानी का यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ नहीं लगाया है, बस इसी तरह से मैं मोड़ती जा रही हूँ और इसको इस तरह से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी छोटी सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई। स्लैब पर मैंने हल्का सा आटा लगा लिया था ताकि ये चिपके नहीं उठाने में, और इस तरह से पॉकेट्स आप बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और दिखा देती हूँ। अभी वाला जो पॉकेट मैंने तैयार किया उसको मैंने कुछ नहीं किया, बस पॉकेट बना के रख लिया। दूसरे को मैं वही वाली लोई है लेकिन इसको हल्का सा इस तरह से बेलन चला दे रही हूँ ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, या फिर जिस तरह मैंने पहला प्रोसेस किया बिल्कुल इस तरह का एक और मैं दिखा दे रही हूँ। बस मोड़ के आपको रख देना है और इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। आपको दोनों में से जो भी तरीका पसंद हो उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए दूसरे साइड मैंने तेल को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, टेम्परेचर चेक कर लीजिए। मैंने तेल कम ही लिए, मैं डीप फ्राई से नहीं करूंगी। तो हल्की सी छोटी सी बॉल डाल दी है, देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गई है। इस स्टेज पर जो मैंने पॉकेट को तैयार करा हुआ था तो जो ज्वाइंट वाला भाग था उसको मैं नीचे तले में रखूंगी, मतलब तेल से पर के सतह पर रखूंगी। और यहाँ मैंने चार पॉकेट तैयार किए थे, पहले मैं चार पॉकेट्स को सेक लेती हूँ अच्छी तरह से। तेल गर्म थी तो मैंने फटाफट से इसको पलट दिया है, हल्के टाइम बाद फिर से मैं उसे पलट दूंगी। मतलब अच्छे से ध्यान देके पलटिएगा तो बहुत अच्छे से सेलो फ्राई हो जाती है, अच्छी सी कलर इसकी आ जाती है, लाइट गोल्डन कलर, या फिर अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आपने जो पॉकेट्स बनाए हैं उसके किनारे को आपको पानी लगाकर चिपका लेना होगा ताकि तेल में जाने के बाद वो खुले नहीं, फिर आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और कुछ टाइम बाद देखिए मेरी प्यारी सी पॉकेट बनकर तैयार हो गई है, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी, इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा ना। तो चलिए फटाफट से इस पालक पनीर पॉकेट को बना डालिए, और इसके साथ मैंने ये चटनी मीठी वाली बनाई है इसके साथ परोसिए। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही यम्मी है। और इसके साथ ही मैंने दो तीन हरी मिर्च को भी हल्का सा तल लिया है। तो नमकीन मीठी तीखी हर तरह के आइटम्स हो गए यहाँ पे, और ये ब्रेकफास्ट बनाइए, गर्मा गर्म परोसिए, सभी लोग बहुत पसंद करेंगे। और बनाने के बाद मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसी बनी थी, कैसा टेस्ट आया था, और आपको जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए, कैसी बनी थी अपना अनुभव शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट्स के जरिए। और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलती हूं नई रेसिपीज के साथ। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।